वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। फिलहाल खांसी भी ठीक है, बुखार भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है। तो आज मैं बात करने बैठी हूँ, मोबाइल हिल रहा है शायद। आज मैं मोबाइल कह रही हूँ, आज मैं बात करने बैठी हूँ 2021 और अब आ गया है 2022। तो 2022 में अभी टाइम है, यानी 4-5 घंटे हैं आने। तो अल्लाह करे ये 2022 हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो, खैर हो, बरकत वाला हो और कोई इसमें कोई दुख कोई परेशानी ना हो। ये तो बाकी अल्लाह ताला की है कि इसके लिए क्या है। लेकिन 2021 में बहुत कुछ हमने खोया, अच्छा बुरा, महंगाई, सबसे बड़ी चीज़ महंगाई, और उससे भी बड़ी चीज़ जो मैंने खोई वो है मेरी अम्मी। बहुत बड़ा लॉस, बहुत ही बड़ा मैं कहती हूँ। माँ का जाना, और हम बेटियों से पूछें, उन बेटियों से पूछें जिनकी माएँ नहीं है और जिनके लिए बहुत यानी कि हेल्पफुल, हर चीज़ में साथ देने वाली माँ होती है। मैं बहुत कम बात करूँगी क्योंकि नहीं होगी मुझे मुझसे बात, क्योंकि हम लोगों के होते ही छोटे से दिल है जो रोना धोने में लग जाते हैं। खैर मैंने खो दिया अपनी माँ को 2021 में। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लॉस और 2021 का सबसे मुश्किल वक्त था। 21 अगस्त थी और बीच में मैं चली भी गई थी काफ़ी देर, जो 3-4 महीने मैंने वीडियोस नहीं डाली थी। अम्मी बहुत साथ देती थी, ये करो वो करो, तो अम्मी याद आती हैं बहुत हर पल। खैर मेरे अब्बू अल्लाह का शुक्र है सलामत हैं, उनको अल्लाह ताला सलामत रखे और उनकी दुआएं हमारे सरों पे रखे और उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बाकी रहा मेरी अम्मी का सवाल, तो उनके लिए मगफिरत के लिए तो दुआ कीजिएगा और उनके सारे सवाब के लिए जो आप लोग पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए। हम तो पढ़ ही रहे हैं, हम लोग बच्चे हैं उनके, और जाहिर सी बात है हम लोग औलाद हैं, जो हमसे हो सकते हैं हम वो करते हैं। बाकी अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस में दाखिल करे, आमीन। और बस यही है, मैंने तो ये खोया है क्योंकि सबसे बड़ा दुख, कहते हैं पैसा मिल जाता है, जेवर मिल जाता है खोया हुआ, लेकिन माँ नहीं मिलती। तो अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा कदर करें, उनको इज्जत दें, और उनकी छोटी छोटी एक ख्वाहिशें होती हैं जो शायद वो कहते भी नहीं हैं, जो कहते भी नहीं हैं, और हम उनकी शायद इग्नोर कर देते हैं कि चलो अभी नहीं बाद में हो जाएगा, तो उसको पूरा करें। क्योंकि माँ बाप नहीं मिलते, सब मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, दुनिया में माँ बाप नहीं मिलते। तो और ये जो ऊपरी दिखावे रिश्ते होते हैं ना, ये माँ बाप तक जो मिल रहे होते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से, वो माँ बाप के जाने के बाद बिल्कुल बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। वो ऊपरी अपने दिल से किस तरह मिल रहे होते हैं वो हम औलादे जानती हैं। एक तो सबसे बड़ा जो आजकल का ट्रेंड है कि जिसके पास पैसा है वो सबसे अच्छा है, जो गरीब है वो वहीं पे ही है। तो ये मैंने बहुत जगह देखा भी और पढ़ा भी और सुना भी और अपनी आंखों से देख भी रही हूँ कि पैसे वालों की इज्जत है वरना और किसी की नहीं है। खैर अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे जिनके दिल में बोझगी कीना और जो भी है, अल्लाह ताला उनकी बस आसानी करे। और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ जो जो मेरे लिए मुझसे बोलते हैं दुआओं का, और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल आसान करे। अल्लाह हमारे ये 2022 जो है बहुत अच्छा साबित हो, बाकी अल्लाह के हाथ में है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हम तो दुआ को है ना अल्लाह से कि हमारे लिए अच्छा हो। तो बस छोटी सी वीडियो यही थी, और मेरे लिए आगे के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं कीजिएगा। मेरी वीडियो को फुल वॉच कर देगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यही मैं कह सकती हूँ आप लोगों को, यही मेरी छोटी सी वीडियो थी।
और अपने लिए खास दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए करें और हम सब के लिए करें, बाकी अल्लाह मालिक। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बस यही था, मैंने बहुत बड़ा यानी अपनी माँ को खो दिया, बस अल्लाह हाफिज़।